वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है अभिषेक ने। और वीडियो देखने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ नेहा को और निदा को। निदा लखनऊ से हैं और नेहा ने बहुत अच्छा हम लोगों को मैसेज किया। वैसे निदा ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया था और नेहा कौशिक ने बोला कि लाइक वो कभी किसी को मैसेज नहीं करती किसी भी सेलिब्रिटीज को या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको, लेकिन उन्होंने हमें किया, उसके लिए धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा। वेल, खुश रहिए। अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और वीडियो का टाइटल है टाइटल थोड़ा मुश्किल है। टाइटल है सना आलिया गो नराली पुनविसा। नारली आई थिंक होगा, नारली पुनविचा। वेल, काफी मुश्किल वीडियो हम लोगों को अभिषेक ने सजेस्ट की है जो जिसका नाम लेना ही थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। बट अभी हम देखते हैं कि वीडियो में क्या है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। ये मराठी म्यूजिक है ना? ये मुंबई के पास तो नहीं है? ओ वाओ, सो कलरफुल। सन आए गो नारली पुन बेता चला वाजत गाजत नाचत पाण्यान सोडूया होरीला। सन आयलाय गो आयलाय गो नारली पुनवेसा। आमा कोल्यांची होरी वाल्यांची
दरिया भरी हाय लय फिरती लाटा भरी ढोलल भोरी दवा समिंदरा ये इन भरती चला वाजत गाजत नाचत पाण्यां सोडूया होडीला सन आयलाय गो आयलाय गो चालली धुन रेषा कोली वारा नटून जमला सारा सागर देवाला पुंजावला भोल्यांचा पावतो संकटी धावतो प्रार्थन करावला चला चला वाजत गाजत नाचत पाण्यां सोडूया होडीला आयलाय गो सन आयलाय गो आयलाय गो सारली पुण्ये मनी आनंद मावना बोल्यांच्या धुनीचा अरे बेगिन बेगिन चला किनारी जाऊ देवाच्या पुंजेला बात करें अगर इस फेस्टिवल की तो बहुत खूबसूरत रंगीन किस्म का ये फेस्टिवल मुझे लग रहा था जिस तरह लोग जो है इंजॉय कर रहे थे रोड्स पर और खास तौर पर औरतों की अगर बात करें तो औरतें जो है बहुत खुल के इंजॉय कर रही थी। अच्छा मौसम जैसे ड्रेसिंग थी ना हाँ। मराठी लोगों की ड्रेसिंग ऐसी थी याद है हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी जिसमें ढोल वगैरह और सारा फेस्टिवल था वो जो वहाँ की थी ना यूएस की थी यूएस की थी हाँ जी उसमें भी कपड़े का स्टाइल बिल्कुल बालाजी वाला म्यूजिक नहीं वो बालाजी वाला नहीं होता बहुत दफा लोगों ने हम लोग इस चीज पर बोला बालाजी वाला म्यूजिक नहीं है लेकिन अभी यहाँ पाकिस्तान में बात करें ना तो यहाँ पे हमने बालाजी जो ड्रामास लगते थे स्टार प्लस पे तो उनमें हमने ये म्यूजिक सुना है तो इसलिए यहाँ पे बालाजी म्यूजिक के नाम से ही मशहूर है लेकिन अगर बात करें स्ट्रीट पे वो जो गली में चार पांच लड़के जो है डांस कर रहे थे मुझे वो बहुत ना अट्रैक्ट कर रहा था उनका डांस क्योंकि वो जागे करना ऐसे से मेरे से तो नहीं होगा लेकिन जिस तरह वो डांस कर रहे थे ना तो ऐसे लग रहा था कि जो हमने सॉन्ग सुना है वो इसी पर डांस कर रहे थे उनके मूव्स इतने मैच कर रहे थे कितना अच्छा लग रहा था ना ऐसे ऐसे वाला और फिर मैंने जो मतलब डिफरेंट आंटीज थी वो भी डांस कर रही थी और उनके भी जो स्टेप्स ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मतलब हमने गर्दन में देखा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बट यहाँ पर मुझे माधुरी दीक्षित मैम की भी याद आ गई उनका एक गाना था
हमको आजकल है, सुना मैंने आज तक है, आजकल है तुमसे प्यार, जो भी है वेल कोई आए लेके पता नहीं क्या। हाँ मुझे पता है गाना गाने में और लिरिक्स याद रखने में मैं बहुत बुरी हूँ, बट ये कि मुझे फेस्टिवल बहुत कलरफुल लगा। और बेसिकली ये जो फेस्टिवल है जब हम लोगों ने बाद में पढ़ा तो ये नारियल बिल्कुल कोकोनट फेस्टिवल इसे कहा जाता है, और ये जो है मानसून के एंड पर यानी जब मानसून जब खत्म होता है फिर सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि आजकल जो क्योंकि मानसून एक दो दिन हो गए हैं खत्म हो चुका है तो ये जो है फेस्टिवल हो चुका होगा शायद, बिल्कुल हो चुका होगा। अच्छा इसमें जब ना वो बहुत सारे मतलब जो आंटियां डांस कर रही है तो एक साइड पर ना ऐसे कुछ किसी ने उठाया, मुझे पहले लगा कुछ ना जग टाइप है, लेकिन वो नारियल, अब मुझे पता चल रहा है वो तो कोकोनट था, और बाद में याद है वो कोकोनट पे भी फूल जो उनसे जुड़ाया हुआ। हाँ बिल्कुल। और अगर इस बात की जाए तो इसे जो है दूसरे जो फेस्टिवल्स हैं उससे भी उसकी तरह भी कहा जाता है, जैसे रक्षाबंधन। अच्छा हाँ। ये मुझे नहीं पता था, बट ये कि बहुत ही एक कलरफुल सा और इंटरेस्टिंग फेस्टिवल, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगती है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट और नया देखने को मिलता है। और आप लोगों में से कौन कौन मराठी कम्युनिटी से है हम लोगों को जरूर बताइएगा। अच्छा वैसे यहाँ पे एक चीज और मैंने नोट किया है, इंडिया में तो वैसे एक तो वो फेस्टिवल्स हैं जो ओवरऑल सब मनाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है डिफरेंट डिफरेंट हर कम्युनिटीज के अपने अपने फेस्टिवल्स भी हैं जो वो उनकी कम्युनिटी लेवल्स पे भी जो है अपने अपने फेस्टिवल्स हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। एक और चीज यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो एक पूरी वीडियो है उसमें ईमान जी ने जो है ईमान बहन जी ने जो है एक चीज बहुत नोट की, वो था गोल्ड। तो वैसे पता नहीं, वैसे मुझे नहीं मालूम कि ओरिजिनल था कि नहीं, पर मुझे लग रहा था कि जैसे ओरिजिनल नहीं है, नहीं है लेकिन उसकी रीजन क्या है मौसम, क्योंकि हम लोगों ने काफी सारी वीडियोस देखी हैं और उसमें भी ये बताया था दुनिया के 11% इंडियन, हाँ इंडियन औरतों के पास बहुत ज्यादा गोल्ड है, वो तो मुझे इस वीडियो में नजर आ रहा था, तो एकदम से मेरे दिन वो चीज है, तो मैं इसलिए पूछा भाई ये सारे नो डाउट उनको ही पता होगा जिन्होंने पहना ये सही। वैसे नो डाउट के क्या नाम लेते हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं तो मोस्टली जितनी भी लेडीज है ना वो उनमें गोल्ड पहना हुआ है, अब ये नहीं पता एक नंबर के है कि नहीं, पहनना पसंद नहीं है इतना, मैं नहीं पहनती, ये में भी हो सकती है फेस्टिवल का हिस्सा हो। हाँ ये हो सकता, नहीं मैं वैसे बता रही हूँ कि पर्सनली मुझे गोल्ड पहनना या गोल्ड कलेक्ट करना इतना पसंद नहीं है, अभी तो इतना महंगा हो गया ना कि अभी तो बिल्कुल ही नहीं बंदा खरीद सकता, पाकिस्तान में बहुत महंगा है गोल्ड। एनीवे ओवरऑल बहुत ही ज्यादा मजे का एक फेस्टिवल जो आज हम लोगों ने देखा, थैंक यू सो मच अभिषेक, चाहे नाम बहुत मुश्किल था बट एटलीस्ट हमको देखने का बहुत मजा आया, बिल्कुल। और इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, हमारे वीडियोस लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स, टिल देन गुड बाय।